साथियों नमस्कार, मेरा नाम अजय वर्मा है और आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं मुंगेर के माँ गंगा जी के तट पर और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाए तो बहुत ही सौंदर्य देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पहली बार मैंने डॉल्फिन देखी और अभी हम बोटिंग कर रहे हैं। आपको दिखा दें कि ये हमारे भाई साहब हैं जिन्होंने ये सौभाग्य हमें प्राप्त कराया कि हम नाव पर बैठे हैं और इन्होंने इस माँ गंगा नदी में कुछ मछलियाँ पकड़ी है, आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, आप देखिए माँ गंगा का भव्य नज़ारा। आप देख सकते हैं कि हम नाव पर बैठे हैं और गंगा जी का तट। नाव चलाना काफ़ी मेहनत का कार्य है। आप देख सकते हैं कि भाई साहब रोशन जी नाव चला रहे हैं। आपको सच पूछिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। गंगा के बीचों बीच हैं हम लोग और आप देख सकते हैं कि नाव की सवारी और हम खड़े हैं। हालांकि डर तो अंदर से लग ही रहा है कि खड़े हैं, बैठे थे तो अच्छा भी लग रहा था, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते थे कि आप देखिए कि हम लोग का किनारा आने वाला है सोजी घाट, जहां पर उतरेंगे और दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि गंगा का जलस्तर कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि गंगा का जलस्तर जब बढ़ा था ये पार्क भी डूब गए थे ना, पार्क भी डूबा था ना, और आप ये नाव देख सकते हैं। हाँ, डॉल्फिन पार्क है ये, डॉल्फिन पार्क है। और बात कर रहे थे हम कि माँ गंगा का जलस्तर के बारे में, तो अभी फरवरी का महीना चल रहा है, सर्द का महीना है ये, और गंगा का जलस्तर काफ़ी कम हो गया है। आप देख सकते हैं कि गंगा का जलस्तर और इस पार्क को भी डुबा दिया था जब ये सावन के महीने में माँ गंगा में बाढ़ आई थी या पानी का बढ़ा गया था। तब आपको बता दें कि काफ़ी दूर तक पानी चला गया था क्योंकि सावन के महीने में कई नदियों का जो संगम होता है माँ गंगा में होती है तो गंगा का जलस्तर बढ़ ही जाता है। और हम आ चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं दोस्तों। अच्छा लगा रोशन जी, धन्यवाद आपका जो आपने यहाँ तक सफ़र तय कराया।